यदि तर्जनी उंगली का झुकाव मध्य उंगली की तरफ है तो ऐसा व्यक्ति कार्य आरंभ तो बड़े उत्साह के साथ करेगा क्योंकि वह उंगली बृहस्पति की है, लेकिन शनि की तरफ झुकाव होने से धीरे धीरे उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और कार्य विलंब से होता है। मध्य माह शनि की उंगली है, व्यक्ति अक्सर अकेला और उदास रहता है। यदि इसका झुकाव तर्जनी की तरफ है तो शुभ गुणों में वृद्धि होगी। यदि इसका झुकाव अनामिका की तरफ है तो अवगुणों में वृद्धि होगी और उसमें प्रबल बदले की भावना होगी। उनका भाग्योदय देर से होगा और पिता से नहीं बनेगी। अनामिका उंगली सूर्य की है, यदि इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है तो ऐसे जातक में उक्त अवगुणों के साथ चोरी, झूठ और फरेब के अवगुण भी आ जाएंगे। यदि इसका झुकाव छोटी उंगली की तरफ है तो जातक धनाढ्य और सफल व्यक्ति होगा। कनिष्ठिका बुध की उंगली है, यदि यह सिद्धि और सुडोल है तो व्यक्ति विनोदी और अस्थिर होता है, पर यदि इसका झुकाव अनामिका की तरफ हो तो अत्यधिक शुभ होता है।